हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है मोबाइल फ्री में कैसे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको फ्लिपकार्ट ज़रूर डाउनलोड कर लेना है और आपको ये डायरेक्ट ये वर्क आपको फ्लिपकार्ट के अंदर ही करना है, और ये आपको अप्लाई भी फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन के अंदर ही करना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक मोबाइल सेलेक्ट करना है जो आपको मंगवाना है। तो मैं एक रियलमी का CY2 मोबाइल चूज़ कर लेता हूँ और उसको ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको स्किप करके कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको देखना है अभी भी 9,999 रुपये ही दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे ही क्लिक कर लेना है वापस से, और फिर आपको आगे बताता हूँ। तो आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर आगे आगे आपका प्रोसेस हो रहा होगा। जैसे ही आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पेमेंट नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। खाली यहाँ पे आपको जाना है नेट बैंकिंग पे। आपको नेट बैंकिंग में जाना है और आपके खाते में से 1 रुपये भी नहीं कटेगा, आपके अकाउंट में से भी 1 रुपये नहीं कटेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, वो सब बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग में जाना है और नेट बैंकिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे की प्रोसेस आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना है। फिर आपको एक मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी जो HDFC बैंक की है, जो आपको लिखा हुआ है, आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने डायरेक्ट ये इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना है HDFC_1, फिर आपको इतना ही लिखना है और यहाँ पे बंद कर देना है, ये बीच में से काट देना है ऑप्शन। तो ये जैसे ही आपको कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसमें जाना और यहाँ पर आपको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका वो प्रोसेस हो जाता है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है बैंक, जो भी आपको बैंक से मैंने वहाँ पे बताया था जो वो वेबसाइट में से, वैसे ही आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है HDFC बैंक। तो ये आपको जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे, फिर आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको खाते में से 1 भी रुपया नहीं काटने वाला है, जो आपको कुछ नहीं टेंशन लेनी है। फिर आपको प्रोसेस होती रहती है, जैसे ही आपकी प्रोसेस यहाँ पर आ जाता है ये ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में ये दोनों फ्यूचर ऑन रहने रखने हैं। तो आपको ये दोनों बैकग्राउंड में ये फ्यूचर ऑन रहना चाहिए, और ऑन रहेगा तो आपका ये पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप ही आपको फॉलो करना है। आपने अगर नहीं किया स्टेप बाय स्टेप तो आपका ये ऑर्डर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे ही ये दोनों प्रोसेस हो जाती है, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको वापस से फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल साइट पे जाना है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे ही क्लिक कर देना है। और आप जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है, क्योंकि अभी मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक नया ऑर्डर कर चुका हूँ पहले से ही। जो ऑर्डर पहले कन्फर्म हो जाने दो, फिर मैं ये ऑर्डर और करूँगा। और जिसको भी मेरे को कोई भी सवाल पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम लिंक है और इंस्टाग्राम लिंक है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पे भी कर लेना है फॉलो आपको। तो आपको कोई भी ऑर्डर करवाना हो तो देख सकते हो, मेरे इतने ऑर्डर पेंडिंग है अभी, तो वो पहले मैं कंफर्म करवा लेता हूँ, फिर आपको आपके भी ऑर्डर करवा देता हूँ। आप मुझे मैसेज कर देना है कि भाई हमें भी आपके प्रोडक्ट मंगवाना है, ये प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट का नाम भेज देना और वो प्रोडक्ट की डिटेल जो भी है वो भेज देनी है, तो मैं आपका भी ऑर्डर करवा दूँगा कन्फर्म, और आपके घर तक आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए इतने के लिए गुड बाय।